सीधी बच्चों के हाथ में झाड़ू। सीधी जिले की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की नाक के नीचे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूल तो बच्चे आते हैं, परंतु बैठने के पहले बच्चों को ही खुद साफ सफाई करना पड़ता है। इतना ही नहीं, रोज इस बच्चे साफ सफाई कर झाड़ू लगाने का कर अपने बैठने के लिए टाट पट्टी भी बिछाना पड़ता है। जी हाँ, गुरु दक्षिणा लेने के लिए लगाना पड़ता है झाड़ू। वहीं मध्याह्न भोजन के बाद खुद बच्चों को धुलना पड़ता है अपनी थाली। वहीं जिला प्रशासन कलेक्टर से जब हमारी टीम द्वारा बात की गई तो जिले के कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में चपरासी पदस्थ नहीं होते हैं। मध्याह्न भोजन के लिए हम लोग बर्तन और चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। जो बच्चे सामान्य रूप से भोजन करते हैं उन्हें अपने बर्तन धुलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साफ सफाई और झाड़ू लगाने की बात आपके माध्यम से पता चला है कि यह बात गलत है। जांच करवाऊंगा कि वह ऐसा क्यों है। बहरहाल यह विद्यालय कच्छ में झाड़ू का ये कोई पहला मामला नहीं है। भला जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिए बयान सोचने को मजबूर करता है कि भला जब चपरासी पद नहीं होता है तो जिले में ऐसे कई विद्यालय हैं जहां रोजाना देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर भला साफ सफाई का जिम्मेवार कौन होगा। नौ निहालों के जीवन को संवारने की बजाय झाड़ू दे उनका भविष्य कैसे उज्जवल कर पाएंगे। और साथ हो प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार एवं प्रशासन खूब बढ़ो सहित अन्य चीज़ों के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया जाता है। सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में अमूमन कोई चपरासी पदस्थ नहीं होते हैं, और मध्याह्न भोजन में के लिए हम लोग बर्तन और चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। तो जो बच्चे भोजन लेते हैं सामान्य रूप से वो अपना बर्तन भी साफ करते हैं, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन साफ सफाई झाड़ू लगाने अगर बात आप बता रहे हैं वो गलत है, मैं उस चीज़ को जरा चेक कराऊंगा वहाँ एक रिश्ते क्यों नहीं होते। दूसरा होल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर